नमस्कार, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सबको नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इस्पाल पेश करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों कि कई कॉलेज अपनी दादागिरी पे उतर आए हैं, कुछ एक दो तीन कॉलेज ऐसे पूरे राजस्थान में जिनको कुछ ज्यादा ही दादागिरी सूझ रही है, ज्यादा ही नेतागिरी सूझ रही है। तो ऐसे में हम लोग आज पिंक सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो है इसके समक्ष अभी धरने पे हैं और सभी लोग यहाँ पे आंदोलन पे बैठे हैं। हमारी अभी एनएचएम में भी वार्ता है और एनएचएम के बाद आरयूएचएस में भी वार्ता है थोड़ी देर में। तो हालांकि एनएचएम के अधिकारियों की हमारे पास बात हुई है उच्च अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा है कि भाई हम लोग इन आप सभी के लिए जब डॉक्यूमेंट्स रिलीज के ऑर्डर दे चुके हैं और वो आदेश हमने इनको दिखाया भी, हमारे सभी साथियों ने दिखाया भी वो आदेश, उसके बावजूद जो क्या है इनको डॉक्यूमेंट्स तो अभी दे दिए गए हैं लेकिन एक जो बॉन्ड पेपर था वो नहीं दिया गया था। तो हम लोग चाहते थे कि भी चाहे एनएचएम इसका निष्कर्ष निकाले या इनकी समस्या का समाधान करे या फिर चाहे पिंक सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग का प्रशासन। तो इसके जो डायरेक्टर हैं दिलीप तिवाड़ी जी, वो क्या है फेडरेशन के अध्यक्ष हैं जितनी भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनकी, तो उन्होंने क्या दादागिरी मचा रखी है और वो ये तरीके से उनका ये रहता है कि भी अभी युवा लोग मिलने गए यहाँ पे प्रशासन में तो जो बॉन्ड पेपर है वो नहीं दे रहे थे ये लोग। और वो किस लिए नहीं दे रहे थे उसका कारण बताता हूँ मैं आपको। जो छह महीने पांच महीने का ब्रिज कोर्स था उसमें छह एक महीने इनको टोटल हो चुके हैं अभी इस कॉलेज से जुड़े हुए, छह से साढ़े छह महीने। उसके दौरान इनको इतना परेशान किया गया, कभी इंटरनल मार्क्स के कम भेज देंगे, कभी प्रैक्टिकल मार्क्स भेज देंगे कम, इसके लिए भी सभी ने एप्लीकेशन लिख दिए। हर तरीके से प्रताड़ित किया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, हर तरीके से इनको मतलब दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन ये सभी साथी जागरूक हैं और ये मजबूती से अपना हक लेना जानते हैं, इसीलिए आज यहाँ पे धरने पे भी बैठे हैं और लगभग समाधान हमारा हो भी गया है हालांकि, लेकिन कॉलेज प्रशासन के स्तर पे ये समाधान नहीं हुआ। तो इसलिए इस कॉलेज प्रशासन में से जो मुखिया जी हैं उनसे भी मैं स्पष्ट तौर पे इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि साहब आपने इस कॉलेज के अंदर ना आपका जो जो योग्यताएं जो मापदंड पूरे होने चाहिए कॉलेज के, ना तो वो पूरे हैं, ना इसमें जितने टीचर्स एग्जैक्टली होने चाहिए ना वो टीचर्स हैं, और जिस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए जो योग्य टीचर आपके यहाँ चाहिए तो वो सारे के सारे जो चीजें हैं उनकी भी सख्त कमी है। उसके बावजूद इतनी समस्याओं का सामना यहाँ पे अभी इन साथियों को करना पड़ा, साथ ही जो स्टूडेंट्स इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको करना पड़ा। उसके लिए मैंने आपको पहले भी कहा कि आप इन सभी व्यवस्थाओं को मजबूती से आगे, हमने पहले भी आपसे मांग रखी थी कि व्यवस्थाओं को आप मजबूत कीजिए, सिस्टमेटिक ढंग से रखिए, लेकिन आपने इस चीज और ध्यान नहीं दिया, उल्टा आपने इस चीज पे ध्यान दिया कि इनसे भाई पास नहीं हो पाएंगे तुम्हें, इंटरनल में ये कर देंगे वो कर देंगे। कुछ साथियों की तो ये भी शिकायतें आ रही थी कि पैसे मांगे जा रहे हैं और दिक्कतें आ रही है, तो ये बहुत गलत तरीका था आपका और इस तरीके के लिए आपको मैं स्पष्ट शब्दों में इस वीडियो के माध्यम से आपको भी चेतावनी देना चाहता हूं। और साथ ही जो साथी लोग जो इस वीडियो को सुन रहे हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि ऐसे कॉलेजों में एडमिशन दिलवाने से पहले पहले आप कम से कम इस चीज की जांच जरूर करें, जो भी इस तरह के कॉलेजेस होते हैं उनकी स्पष्ट रूप से आप लोग जांच करें कि कॉलेज की क्या व्यवस्थाएं हैं, वहां पे योग्य स्टाफ है कि नहीं है, वहां पे सारी व्यवस्थाएं योग्य तरीके से उचित व्यवस्थाएं हैं, मापदंड है कि नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये नहीं हो कि आपके बच्चे कल को किसी भी प्रकार के गलत संस्थान में चले जाएं और उनकी बर्बादी ये लोग लिख दें आने वाले वक्त में। तो ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है, किसी भी तरीके से ब्लैकमेल करने का ये तरीका होता है, एक तरीके से ब्लैकमेल कर रहे हैं, करते हैं कि भाई कई संस्थान की भी ये नहीं कर देंगे, इंटर मार्क्स नहीं भेजेंगे, इतने पैसे फाइन देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। तो ये चीजें बहुत गलत है, इसलिए मैं स्पष्ट शब्दों में खुली चुनौती देते हुए प्रशासन को भी कहना चाहता हूं कि बॉन्ड पेपर चलो ठीक है एनएचएम लेवल पे तो हमारा समाधान हो जाएगा, आरएचएस लेवल पे हमारा समाधान ऑटोमेटिक होगा क्योंकि सात दिन में इन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा कराने का समय दिया था, सात दिन में से टाइम पीरियड भी हल्का बहुत बढ़ने की संभावनाएं हैं, पर चलो ठीक है डॉक्यूमेंट्स आ गए लेकिन बॉन्ड पेपर का वैसे आपको कुछ मिलना नहीं था हिसाब से, पर कोई बात नहीं, बॉन्ड पेपर अब नए बच्चे नए जमा कराते हैं, जो भी होता है जिस भी प्रकार का समाधान होता है समाधान 100% होगा ये हमें भी पता है, लेकिन आपकी और जो
जो पैसे की जो मामले की वजह से आप लोग ये सब कर रहे हैं कि भाई हमारा पैसा नहीं आया, सरकार से नहीं आया, उससे नहीं आया, आरयूएचएस से नहीं आया, जिससे भी नहीं आया आपका पैसा, जो भी आपकी परेशानियां थी, आपको उस स्तर पे आपको नहीं पढ़ना चाहिए था, ना कि इन लोगों के साथ हमेशा से आप लोगों ने दुर्व्यवहार किया। इन बच्चों को आप लोगों ने सिर्फ इसलिए परेशान किया कि आपके खातों में, आपके खाते के अंदर पैसे नहीं आए। तो अगर आज हम आज की तारीख में एक दो दिन में हम सोच रहे हैं कि इस मामले में जो प्रताड़ित किया गया उसमें ब्लैकमेलिंग की गई, सब तरीके से आप लोगों ने इनके खिलाफ जो जो भी प्रक्रियाएं की उसमें एक ऑफेंस में, अच्छे से ऑफेंस में आपके खिलाफ जो मुकदमे भी बनते हैं, लेकिन अभी हम इस पे विचार कर रहे हैं। अगर एनएचएम लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे हमारा समाधान हो जाता तो अच्छी बात है, अन्यथा इस प्रशासन को, कॉलेज प्रशासन को बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। पूरे राजस्थान का सीएचओ ही नहीं, चिकित्सा वर्ग का सारा सिस्टम, पूरे के पूरे सभी संवर्ग एक साथ पे स्ट्राइक पे आएंगे और इस कॉलेज के खिलाफ हम मोर्चा खोलेंगे, हम शहीद स्मारक भी बैठेंगे, हम स्वास्थ्य भवन भी आंदोलन पे बैठेंगे। जैसा कि सभी को पता है कि आपने हर तरीके से दमन करने का, दबाने का प्रयास यहाँ पे सीएचओ जो ब्रिज कोर्स कर रहे थे उनको किया आपने, आपने जबरदस्ती हॉस्टल में न रहते हुए भी इनसे जबरदस्ती आपने साइन करवाने का प्रयास भी किया, साइन करवा भी लिए बहुत सारे छात्रों जो चयनित सीएचओ थे ब्रिज कोर्स के दौरान उनसे, और वो जो साइन करवाए थे उसका शायद आपने आगे परफॉर्मा भी भेजा होगा, अगर नहीं भेजा है तो बात अलग है, बाकी अगर भेजा है और वहां पाया जाता है तो आप एक चीज ध्यान में रखना, फोर्जरी का केस भी आप लोगों के खिलाफ जबरदस्ती दबाने का बनता है। आप देखिए इन सभी साथियों से जबरदस्ती साइन करवाए जबकि हॉस्टल में नहीं रहे, एसओजी जांच तक इस पे एसओजी में रेट में भी गया मैं मुकदमा दर्ज कराने, मैं पैरामेडिकल भर्ती की भी एसओजी मुकदमा मैंने ही दर्ज कराया था कोर्ट से जाकर, और जांच हुई और उसमें दोषी लोगों को पकड़ने का काम कर ही रही थी एसओजी, साथ ही फर्जी भी बाहर हुए। तो उसी तरीके से इसमें भी जब ये लोग रहे हैं हॉस्टल में तो इनका लोकेशन भी एक आनी चाहिए, हॉस्टल की लोकेशन आनी चाहिए, जब हॉस्टल की लोकेशन नहीं आएगी तो आप ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा, तो ये सभी साथी लोग आपको बताएंगे कि आप। मैं बाबूलाल वीना दौसा डिस्ट्रिक्ट से, हमने BPCCHN पिंक सिटी ऑफ नर्सिंग कॉलेज से किया और इन लोगों ने हम पे जबरदस्ती हमारे एडमिट कार्ड मतलब रख लिए, एग्जाम से हमको वंचित करना चाहा, सारे बंदों को इस तरह से दबाया गया और उस फॉर्मेट पे साइन करवाए, बल्कि हम एक भी बंदा आज तक ना इनके ट्रांसपोर्टेशन, ना कोई बस में बैठा है, ना कोई इनके हॉस्टल सुविधा लिए, सब ने बंदों ने बाहर रहकर अपने अपने स्वयं के खर्चे से अपना जो भी है अपना वैन किया है और ये हम पे दबाव बना के इस तरह से साइन करवाए, और जब से हमने यहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट की तब से कभी कभी किस मुद्दे पे, कभी किस मुद्दे पे, कभी किस मुद्दे पे, हर तरह से हमको दुखी कर दिया गया, तो ऐसा क्यों, आखिर क्यों? बिल्कुल, ये मुनकेश भाई हैं, दीपक भाई हैं। मुनकेश मीना करौली डिस्ट्रिक्ट से है, पीक सिटी कॉलेज से मैंने ट्रेनिंग की है CCH, हमको कोई हॉस्टल में नहीं रखा इन्होंने और जबरदस्ती हम पे साइन कराए इन्होंने और हम पे जोर जबरदस्ती देखे कि साइन करो हॉस्टल वाले उस पे फॉर्मेट पे। ये सभी जितने भी साथी लोग खड़े हैं सभी CHO हैं और इसी कॉलेज से, पिंक सिटी कॉलेज से हैं, दीपक भाई हैं, महेश जी हैं और इधर खुशीराम जी हैं, लेखराज जी हैं, अंकित जी हैं और अंजना जी और मंजू जी, सभी लोग यहाँ मौजूद है, जो यहाँ पे सभी पूरे 60 के 60 बच्चे यहाँ मौजूद है एक तरीके से, और सभी 60 में से 2-3 लोग नहीं होंगे जो यहाँ पे मौजूद ना हो, लेकिन इन लोगों के साथ अन्याय जो किया वो बहुत गलत था। इस तरह से अगर हर कॉलेज प्रशासन सिर्फ पैसे की भूख के लिए अगर इस प्रकार की गलत गतिविधियां करता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है, 100% बनती है, इसलिए या तो इनके डॉक्यूमेंट्स तुरंत प्रभाव से ये तो दे ही देंगे, लेने भी आते हैं हमें, क्योंकि हमारा हक हमने हमेशा छीन कर लिया है और ये भी लेकर रहेंगे, आपकी अगर किसी और से लड़ाई है पैसे के लेन देन को लेकर, अगर आपकी सरकार से लड़ाई है या किसी से भी आपकी लड़ाई है तो उसके लिए आप इन बच्चों को आप प्रताड़ित नहीं कर सकते हो, 1% भी प्रताड़ित नहीं कर सकते हो, एक भी साथी के साथ गलत नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए आंदोलन करना पड़ेगा, हम सीएम हाउस का घेराव करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन इनको सबक सिखा कर रहेंगे ये पक्का वादा है आप सभी साथियों से। साथियों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना और एक एक सीएचओ, किसी भी सीएचओ के साथ, एक के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी चिकित्सा संवर्ग के एक भी साथी के साथ गलत नहीं होना चाहिए, हम हर तरीके से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और जीतेंगे, 100% लड़ेंगे और जीतेंगे, सत्यमेव जयते।